अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गेम डेवलपमेंट यूजिंग स्टेंसिल के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे पिछले ट्यूटोरियल सीरीज़, पिछले सारे ट्यूटोरियल में जो हमने सीखा, और आज के ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड्स अपने सीन्स में या लेवल्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड ऐड किया और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड स्क्रॉल भी कर रहा है। और फिर एग्जैक्टली तो आप देख रहे हैं, अब हमारा गेम तो स्लोली स्लोली बिल्कुल प्रोफेशनल गेम्स की तरह होता जा रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हैं अपने लेवल या सीन्स में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करंटली आप, अगर मैं अपने गेम को जो पिछले 7-8 ट्यूटोरियल से हमने बनाया है, तो आप देख रहे हैं कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये सिंपल बैकग्राउंड है, तो इसमें बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कुछ इमेजेस, ये और ये इमेज यूज़ करूँगा। तो किस तरह यूज़ करेंगे, बहुत आसान। बैकग्राउंड में जाए, कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले मैं बीजी मेन्यू के लिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मेन्यू। अब कह रहा है क्लिक हेयर टू ऐड अ फ्रेम, चूज इमेज। और मैं इस इमेज को यूज करता हूं। मेक श्योर करे कि ये हो 1x, दैट्स अबाउट इट। और अब मैं इसको ऐड करता हूं अपने सीन में। तो ये राइट क्लिक कर दें और फिर एड बैकग्राउंड टू सीन, यहाँ से भी कर सकते हैं, और अटैच टू सीन। तो किस सीन में, इस सीन में, क्योंकि ये छोटा है कंपेयर टू इन लेवल्स के। और एड हो गया, अब रन करते हैं अपने एप्लीकेशन। और आप देख रहे हैं इसके अलावा बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा, इसकी एक वजह है आप देख रहे हैं बैकग्राउंड टॉप पे है इस लेयर के। अगर तो मैं इसको गायब कर दूं, हाइड कर दूं, तो आप देख रहे हैं अब नज़र आ रहा है। अगर दोबारा इसको विजिबल कर दूं तो नज़र नहीं आ रहा। तो इसको किस तरह इम्प्रूव करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और फिर इस पे क्लिक कर दें, तो अब आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है। बड़ा आसान टेस्ट गेम। और अब आप देख रहे हैं बैकग्राउंड नजर आ रहा है, अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करें, अब इसमें भी ऐड करते हैं। इसके लिए हमें जरा सा बड़ा इमेज चाहिए, तो एक और बैकग्राउंड ऐड करते हैं, बीजी लेवल। तो लेवल में यूज होगा। और फिर हमें फ्रेम चाहिए, ये वाला, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप देख रहे हैं साइज इसका काफी बड़ा है। और ऐड, अब अटैच टू सीन, कौन से सीन के साथ अटैच करना है, इसके साथ। और इसके अलावा मैं इसको अटैच करता हूँ इसके साथ, सेव कर दें। और फिर टेस्ट गेम, स्टार्ट गेम, और आप देख रहे हैं वही मसला। तो इसको इम्प्रूव करते हैं, पहले लेवल वन में चलते हैं। और अब आपके सामने है, नजर आ रहा है। लेवल टू में भी चलते हैं, उधर भी हमने ऐड किया था।
इसको ऊपर कर देते हैं और अब टेस्ट गेम स्टार्ट। गेम अब आप देख रहे हैं इसके साथ एक मसला है, ये वाला जो पोर्शन है ऐसा लग रहा है कि ये इसको पुश कर रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं, इसको इम्प्रूव करते हैं बहुत आसान। बैकग्राउंड में चलें और ये ऑप्शन है रिपीट बैकग्राउंड और सेव कर दें, बाकी हमने कुछ इसको रहने दे, एग्जैक्टली सेम रन कर दें। अब आप देख रहे हैं मच मोर स्मूथ बैकग्राउंड है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं अपने गेम में यूजिंग स्टेंसिल। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।